नाउ इट्स टाइम टू सी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ओके, तो अभी हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है. फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज अ ग्राउंड सरफेस. ओके, और ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का हाइट है ग्राउंड सरफेस से लेट्स से 2 मीटर का हाइट है, ठीक है. तो और इस बॉल का मास है 1 kg. सो इस बॉल का मास है 1 kg. ग्राउंड लेवल पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल है. तो जब पोजीशन ए की बात करूंगा तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए, जब बॉल पोजीशन ए पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला इज mgh. मास कितना है? 1. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेंगे. एच का वैल्यू है 2. सो ये हो गया 20 जूल. क्लियर? अब आपने बॉल को थोड़ा सा पुश किया. बॉल अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम कंडीशन में था. कैसे? क्योंकि इसके ऊपर इसका वेट दैट इज mg और ये नॉर्मल रिएक्शन, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था, तो नेट फोर्स बॉल के ऊपर 0 थी, जिसकी वजह से बॉल अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में था. कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. क्यों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? वो भी देखेंगे, ठीक है. अब बॉल को अपने थोड़ा सा पुश किया, तो पुश करते के बाद बॉल कहाँ पर आ गया? बी पे आ गया, पोजीशन बी पे आ गया. तो जब पोजीशन बी पे आ गया तो पोजीशन बी पे हम उस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज mgh. मास कितना है बॉल के पास? 1 kg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? 10. और हाइट कितना है? 2 मीटर. तो ये हो गया 20 जूल. अब पोटेंशियल एनर्जी एट सी पे कैलकुलेट करेंगे, जब बॉल और आगे चला गया सी पे, तो यू विल फाइंड आउट द आंसर विल बी द सेम, 1 × 10 × 2. कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बॉल की हाइट कभी चेंज ही नहीं हुई है. तो 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम. तो जब मैं इस पोजिशन की बात करूंगा, ये हमारा, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया है, ठीक है. तो ये 1, 2 एंड 3, और यू कैन से पोजिशन ए, पोजिशन बी एंड पोजिशन सी. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ले लूंगा 20 जूल का, करेक्ट. तो पोजिशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल था, पोजिशन बी पे भी पोटेंशियल एनर्जी 20 था, पोटेंशियल एनर्जी सी पे भी 20 जूल्स था बच्चों. सो दिस इज द लाइन व्हाट वी आर गेटिंग. सो एज यू कैन सी दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. इफ द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हो? उस लाइन का स्लोप कितना है? एग्जैक्टली, द स्लोप ऑफ द लाइन इज 0. स्लोप ऑफ द लाइन इज 0, इसका मतलब क्या हुआ? डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है. इसका मतलब क्या हुआ? जो फोर्स होता है विच इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, उसका वैल्यू भी तो 0 हो गया. सब कुछ कैलकुलेशन है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन. ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन, मतलब इस बॉल के ऊपर कभी कोई फोर्स लगा ही नहीं. ओके, कभी भी कोई फोर्स नहीं लगा. जैसे कि हम लोगों ने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देख रहे थे, जब बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलता है तब उसके पास कोई ना कोई फोर्स होता है, ठीक है. लेकिन इस केस में चाहे बॉल कहीं पे भी हो, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा, करेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. सो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो भूलना नहीं है हमें, ठीक है, क्लियर. अभी मैं आपको तीनों की एग्जाम्पल दूंगा डे टू डे लाइफ में, तीनों की एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद करो. सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम एक कंडीशन लेंगे. फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज द बुक आई है, ये एक बुक है, और इस बुक के ऊपर मैंने एक बॉटल रखा है लाइक दिस, ठीक है. अब इस बॉटल को मैं थोड़ा सा पुश करूंगा लाइक दिस. मैंने देखो इस बॉटल को थोड़ा सा पुश किया, बॉटल वापस से हिल के ऑसिलेट होके अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर लेता है. सी, फिर से मैंने पुश किया, मैंने पुश किया, देखो घूम के एक ऑसिलेट मार के फिर से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में अटेन हो जाता है लाइक दिस. सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया ऐसे, ठीक है. सी, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है. कौन सी इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब बात करेंगे अनस्टेबल की. जैसे कि मतलब मान लो ये एक डस्टर है और यहाँ पर मैंने ये एक मार्कर लगा दिया लाइक दिस, ठीक है. ये हमने एक मार्कर लगा दिया. सिमेंट, ये स्टैंड क्यों नहीं हो रहा है? आई होप ये खड़ा हो गया बराबर. अरे गिर जा रहा है. हाँ ये मार्कर है, स्टैंड है, ठीक है. अब इसके ऊपर मैं छोटा सा फोर्स एग्जिस्ट करवाऊंगा लाइक दिस. सी, तुरंत गिर गया. इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की इसने कोशिश भी नहीं की. एज यू कैन सी, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगाऊंगा, तुरंत गिर गया. सी, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइट है, इसके वजह से गिर नहीं पा रहा है, ठीक है. तो जब आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया लाइक दिस, तुरंत गिर गया. जबकि जो बॉटल था वो ऐसे घूम रहा था और बाद में ऐसे रुक जा रहा था, ठीक है. लेकिन जैसे ही मार्कर को आप देखोगे तो ये मार्कर के ऊपर आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया तो तुरंत गिर जाता है, ठीक है. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये फ्लैट सरफेस है, ये आपका एक मार्कर है, ठीक है, लाइक दिस। तो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर ये पोजिशन ए पे है बोर्ड पे, देखो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा धक्का मारा लाइक दिस, आगे जा रहा है ये, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, सी क्लियर। ये पीछे इसके लिए आ रहा है क्योंकि बुक बराबर हॉरिजेंटल नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, इसके लिए पीछे आ रहा है, ठीक है, ऐसे सी। यहाँ पर अगर आपका ये प्रॉपर हॉरिजेंटल सरफेस होगा तो ये हमेशा आगे जाएगा, आगे मूव करता रहेगा। सो दिस इज अ कंडीशन फॉर द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।